गुरुग्राम के सोहना में चार लोगों ने वेस्टर्न रिसोर्ट होटल की गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी और मोटरसाइकिल लगाकर होटल की गाड़ी में बैठी एक युवती को जबरन उतार दिया और पलवल ले गए। वहीं इस मामले में गनीमत यह रही कि पुलिस ने लड़की को पलवल से बरामद कर लिया और चारों लोगों के खिलाफ किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनसे वो गाड़ी भी बरामद कर ली है जिसको वारदात के लिए प्रयोग किया गया था। हमें सुबह प्रातः एक सूचना मिली थी, कंट्रोल के माध्यम से मुझे प्राप्त हुई थी कि वेस्टर्न जो हमारे स्पा रिजोर्ट है उसमें कर्मचारी का किसी तीन चार लड़कों ने किडनैप कर लिया। जिस आधार पर मेरी टीमें मैंने बनाई गई वहाँ मौके पर हम लोग गए, पता लगा कि ये लड़की जो अपने हॉस्टल से अपने काम करने के लिए अपने रिजोर्ट में आ रही थी, तो उसी वक्त एक मोटरसाइकिल पर और एक कार में चार लड़कों ने उसको जबरदस्ती अगवा किया था और उसको लेकर पलवल की तरफ चले गए थे। इस सूचना के आधार पर मेरे द्वारा तुरंत टीमें बनाई गई और जिसमें हमने इसी को संज्ञान लेते हुए उस लड़की को पलवल के पास से ले लिया है, उसका मेडिकल करवाया गया और उसी के आधार पर हमने एक कार जो इस वारदात में इस्तेमाल की वो और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें भी दो तीन आरोपी गिरफ्तारी बकाया। तो मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया? नहीं, मोटरसाइकिल बकाया है, बहुत जल्द हो जाएंगे। तो इनमें कुछ रीजन बताया जाए अगवा करने का रीजन क्या था पूछताछ के दौरान? जिस तरह अभी तक प्रथम दृष्टा संज्ञान में जो हमारे आया है कि भाई ये लड़का इस पे शादी करने के लिए दबाव डाल रहा था और इसको काफ़ी दिनों से इसको चेज भी कर रहा था जबकि ये लड़की ये चाहती नहीं थी। आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं? दो आरोपी हैं, एक तो खाईगा का है और एक गुलावत पड़ता है हाथी में, वहाँ के एक तो दसराज है, दूसरा राजकुमार है जो हमने गिरफ्तार किया है। तो जो बाकी जो आरोपी दो बचे हैं वो कहाँ के रहने वाले? वो दोनों अमरौली के हैं और उनको बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जैसे गिरफ्तार होगा आपको सूचना हम आपको बता देंगे। आगामी कार्रवाई क्या की जाएगी? आगे कार्रवाई यही है कि सेफ्टी जहाँ तक औरतों की है लड़कियों की है वो प्रायोरिटी रहेगी हमारी और उसी के आधार पर हम लोग बहुत जल्दी संज्ञान लेते हैं और जितने और भी से गिरफ्तार बकाया जिनके वो जल्द गिरफ्तार करें।